हेलो बच्चों, आपको एक्सरसाइज 4.5 हम बता रहे थे। इसमें 10-11 क्वेश्चंस हमने बताए थे मैथमेटिक्स क्लास 12th, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स ये जो चैप्टर था उसमें हमने डिटरमिनेंट की 4.5 एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन बताए थे। इसमें एडजॉइन निकालना बताया था, इसका इन्वर्स निकालना सिखाया गया था। अब इसी पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, उन्हें और क्वेश्चन आपको देखना है, जरा समझ लीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस किए ले रहे हैं, इसका 12th क्वेश्चन हम देखते हैं। 4.5 एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी की। देखिए इसमें दिया है a इज इक्वल टू 3275 और b गिवन है आपका 6789 और कह रहे हैं इसमें आप वेरीफाई करके दिखाओ। वेरीफाई करना है आपको, प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले तो आप समझिए कितने इनवर्स निकालने हैं। पहले आपको ए का इनवर्स निकालना है, बी का इनवर्स निकालना और ए बी का इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए बी निकाल लेता हूं। ए बी का मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया गया है 3275 इंटू बी है आपका 6789। मल्टीप्लाई क्या बताया गया है, फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, तो 3 6 18 प्लस 7 7 जा 49। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 8 जा 24 7 9 67 प्लस 63, ये आएगा 2 6 12 प्लस ये इधर कर रहे हैं 5 7 जा 35। इसका इससे करेंगे 2 8 जा 16 प्लस 9 5 जा 45। संख्याएं बड़ी आएंगी, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो 9 8 17 अतः 1 4 1 5 1 6 67, ये आएगा 4 3 7 और 6 2 8, ये आएगा 5 2 7 3 1 4 और ये आएगा 6 5 11 और 4 1 5 1 6, ये आपका ए बी निकला। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालनी पड़ेगी ए बी की। इसका कोई नाम दे दो, सी दे दो, ज़्यादा ठीक रहेगा। इसका नाम दे दिया सी, ए बी रहने दो, बहुत सारे नाम हो जाएंगे। ए बी की डिटरमिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट 67 47 87 61। क्या तरीका होता है इसका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 67 इंटू 61 माइनस इसका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 47 इंटू 87। 67 और 61 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 6 6 6 7 42 7 4 4 36 4 40, 1 7 7 1 6 6 6 7 42 7 4 36 4 40 7 6 2 8 0 4, 40 87 माइनस। फिर आप 87 को मल्टीप्लाई करेंगे 47 से, 7 49 7 4 7 56 56 4 60, 4 7 28 7 2 4 32 2 34 9 8 6 4 10 3 1 4 4 0 89, यानी ये आएगा माइनस का 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आई, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालना है। तो जैसा कि पीछे इन्वर्स निकालने का तरीका बताया गया है, इसका कोफैक्टर निकालते हैं। हम मानेंगे ए बी की बात हो रही है, लेट कोफैक्टर ऑफ ए बी इज सी। इसका कोफैक्टर हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो कैसे सी निकालते थे, a11 a12 a21 a22। इसकी पिछली साइज में और इसमें भी हम लिंक दे देंगे, उसको देख जरूर लीजिएगा कैसे निकालते हैं इसका। देखिए जब a11 करेंगे तो ये रो कटेगा, कॉलम कटेगा, 61 आएगा। जब a12 करेंगे तो माइनस में 47 आएगा। जब a21 करेंगे तो माइनस का 87 आएगा
और जब ये करेंगे तो ये 67 आएगा। ये क्या निकला आपका, ये निकला है आपका कोफैक्टर। अब इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, पहले तो एडजॉइन निकालेंगे, एडजॉइन ऑफ ए बी, एडजॉइन ऑफ ए बी क्या होता है, जो कोफैक्टर की डिटरमिनेंट है उसको आप ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 61 माइनस 47 और ये आएगा माइनस 87, ये 67। अब आपको ए बी इनवर्स निकालना है, तो ए बी इनवर्स क्या होता है, इसको डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो जब ए बी इनवर्स निकालेंगे तो आएगा एडजॉइन ऑफ ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो 1 अपॉन माइनस 2, यह आएगा 61 माइनस 87 माइनस 47 67। ये वैल्यू आपकी ए बी का इनवर्स आया, ठीक है। इसको अलग कहीं नोट कर लीजिए, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कहीं पर यूज करेंगे। यहां पर हम नोट कर लेते हैं 1 अपॉन माइनस 2, 61 माइनस 47 और माइनस 87 और 67, ये ए बी का इनवर्स निकला, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब आप बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालो, फिर उसका मल्टीप्लाई करो, लेंदी है थोड़ा सा। पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट 3725, क्या तरीका होता है, 5 3 15 माइनस 7 2 14, 1 आ गया। फिर डिटरमिनेंट ऑफ बी भी निकालो साथ में, डिटरमिनेंट 6 8 7 9, 9 क्या आएगा, 6 54 और 7 8 56 आएगा माइनस का 2, ये निकल आया। अब आपको ए का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, लेट कोफैक्टर ऑफ ए इज डी, क्योंकि सी मान चुके हैं, थोड़ा तो चेंज करते रहो। तो कैसे कोफैक्टर निकलेगा, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। देखिए इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, 7 आएगा, अगला माइनस। अब जो लोग केवल ये वीडियो देख रहे हैं वो ये कटेगा पटेगा समझ में नहीं आएगा, तो आप इसके पहले का वीडियो, मैंने ये जो 12 क्वेश्चन से पहले 11 क्वेश्चन में और उसके पहले एक वीडियो है जिसमें एडजॉइन समझाया गया है, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। ए वन टू करेंगे तो ये रो कटेगा, कालम कटेगा, माइनस का 2 आएगा, यहां करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, यहां किया था तो एक मिनट, ए वन वन ये 5 आएगा, सॉरी जरा सी गलती होगी तो आगे दिक्कत आ जाएगी भाई, यहां पे लिखना है तो प्लस में आएगा, पहली बात तो रो कट गया कालम कट गया ये 5 बच गया, यहां पे लिखना है माइनस में आएगा, रो कटा कालम कटा 2 बचेगा, यहां पे लिखना है यहां 7 आएगा, यहां पे लिखना है तो 3 आएगा। अब आपको एडजॉइन ए निकालना है, क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ डी, डी को ट्रांसपोज कर दो तो आएगा 5 माइनस 2 माइनस 7 3। अब आपको ए इनवर्स निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइन ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट चूंकि 1 ही आ रही है इसलिए इसकी वैल्यू यही आ जाएगी, 5 माइनस 7 माइनस 2 3। इसको हम कहीं लिख लेते हैं, ए इनवर्स यहां कहीं लिख लेते हैं, ए इनवर्स क्या आया है, 5 माइनस 2 माइनस 7 3, ये ए इनवर्स निकला है। अब जरा बी इनवर्स पे ध्यान देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ बी माइनस 2 आई है, ध्यान रखिएगा। देखिए अब बी का कोफैक्टर निकालेंगे, लेट कोफैक्टर ऑफ बी इज ई, कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मानो, तो एक्स कैसे निकलेगा, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। ए वन वन लिखेंगे तो ये रो कटेगा कालम कटेगा 9 आएगा, यहां पे आएंगे माइनस में आएंगे, रो कटेगा कालम कटेगा 7 आएगा, यहां पे आएंगे माइनस में 8 आएगा, यहां पे आएंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, एडजॉइन ऑफ बी, तो इसका जो कोफैक्टर है उसको ट्रांसपोज करना है, तो इसको ट्रांसपोज कर दो, कितना आएगा, 9 माइनस 7 माइनस 8 6। अब आपको बी इनवर्स निकालना है, क्या होता है, एडजॉइन ए अपॉन एडजॉइन बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, 1 अपॉन माइनस 2, 9 माइनस 8 माइनस 7 6। अब ये आपका बी इनवर्स निकल आया, अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करिए, मल्टीप्लाई करिए,
बस वेरीफाई करना है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस ये ऊपर वाले से मनाते रहिए। हम ज़्यादा मनाएंगे क्योंकि हम तो रब करते जाते हैं, तो बीच में पकड़ में नहीं आती वैल्यू। नाउ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स क्या है, माइनस वन अपान टू, नाइन माइनस सेवन माइनस एट सिक्स, और ए इनवर्स निकाल चुके हैं आप फाइव माइनस टू माइनस सेवन थ्री। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो बाई फर्स्ट कॉलम, तो आठ पन चालीस, सॉरी क्या बोल रहा हूं, नौ पचे पैंतालीस माइनस, और ये आएगा आपका ए टू जा प्लस हो जाएगा, ए टू जा सिक्सटीन, यहां पे आएंगे नौ सौ तिरसठ माइनस सिक्सटी थ्री माइनस आठ सौ चौबीस, यहां पे आएंगे माइनस थर्टी फाइव माइनस ट्वेल्व, यहां पे आएंगे फोर्टी नाइन प्लस एटीन। इसको कैलकुलेट करिए, तो ये वाला पॉइंट टू बाहर लिखा रहने दो, इसको डिस्टर्ब मत करिएगा। ये क्या आएगा, छः पाँच ग्यारह और चार एक पाँच एक छः, अरे वाह, चार तीन सात छः दो आठ, ये आएगा फोर्टी सेवन और ये आएगा सिक्सटी सेवन। तो ये देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, यानी आप कह सकते हैं कि बाई दिस इक्वेशन इट इज वैल्यू ऑफ ए बी इनवर्स और दिस इज वैल्यू ऑफ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बोथ वैल्यू आर इक्वल। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है, ये आपका ट्वेल्थ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं थर्टीन क्वेश्चन की। थर्टीन भी एक वेरिफिकेशन है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए ए दिया गया है थ्री माइनस वन वन टू, और इसमें कहते हैं शो दैट ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इज इक्वल टू जीरो। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि ये कैसे निकाला जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि आपको ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालते हैं पहले। ए स्क्वायर मतलब ए को दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस आपको मालूम है, इसलिए हम वो ये इधर हो जाएगा ये इधर होगा ऐसे हम बता देते हैं। ये मान के चल रहे हैं कि आपको मालूम होगा, कि आपको नहीं मालूम हो आप समझ रहे हैं कि पता नहीं ऐसे ऐसे कैसे कैसे हाथ कर रहे हैं, तो एक बार देख लीजिएगा उसको कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट रो बाई फर्स्ट कॉलम थ्री थ्री जा नाइन माइनस वन हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम थ्री प्लस टू हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस थ्री माइनस टू हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस वन और प्लस फोर हो जाएगा। यानी ये वैल्यू क्या आई है, एट फाइव माइनस फाइव थ्री, ये ए स्क्वायर निकला। ठीक, अब जरा इसको लेके चलते हैं। नाउ ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन, जरा समझिएगा, अगर यहां आई ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है और ये एक नंबर है। अब नंबर को मैट्रिक्स में ऐड नहीं कर सकते, तो यहां पर अपने आप आई यूज कर लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर निकल चुका है, क्या निकला है, एट फाइव माइनस फाइव थ्री माइनस फाइव, ए क्या है थ्री माइनस वन वन टू प्लस सेवन, आई क्या है, इसी ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन जीरो जीरो वन। इसको अंदर ले जाओ तो आएगा एट फाइव माइनस फाइव थ्री माइनस फाइव, जाएगा तो सबके साथ जाएगा तो फिफ्टीन, फाइव माइनस फाइव टेन प्लस सेवन जीरो जीरो सेवन। एक सेकेंड, देखिए अब इसको कैलकुलेट करिए आप, देखिए एट माइनस फिफ्टीन एट माइनस फिफ्टीन और ये प्लस सेवन, करेस्पॉन्डिंग टर्म प्लस माइनस होते हैं, फाइव
माइनस फाइव प्लस जीरो, माइनस फाइव प्लस फाइव प्लस जीरो, थ्री माइनस टेन माइनस प्लस सेवन। अगर ध्यान से देखें तो जीरो जीरो आ रहा है, यही तो जीरो प्रूफ हो गया। तो पहला पार्ट तो आ गया, ठीक। जरा सेकेंड पार्ट को समझिएगा, ये सब में यही क्वेश्चन देंगे। हेंस फाइंड ए इनवर्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब होता है कि आपको इस रिजल्ट का इस्तेमाल करने के बाद ए इनवर्स निकालना है, आपको डायरेक्ट ए इनवर्स नहीं निकालना है। जरा समझिएगा, देखिए ये रिजल्ट क्या आया है, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इज इक्वल टू जीरो। ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, यानी इधर जीरो है, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स। अब इसमें ये करो कि डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई ए, अगर दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दोगे तो यहां तो बचेगा ए, यहां पर फाइव आई हो जाएगा क्योंकि वन बचेगा, और यहां पर सेवन अपान में ए आएगा, तो यहां ए इनवर्स जीरो आएगा, यहां से इनवर्स निकल आया, ठीक है। इसको उधर शिफ्ट कर दो तो ए, या इसको इधर लिखा रहे दो, सेवन ए इनवर्स इज इक्वल टू फाइव आई माइनस ए, तो ए इनवर्स विल इक्वल टू वन अपान सेवन फाइव आई माइनस ए। या अभी इसको मत लिखिए, इसको कैलकुलेट कर लो, आई क्या होता है वन जीरो जीरो वन, जिस ऑर्डर का ए लिखा हो, ए क्या है थ्री वन माइनस वन टू। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ये क्या निकल रहा है, सेवन ए इनवर्स निकल रहा है, तो यह आएगा फाइव जीरो जीरो फाइव माइनस थ्री वन माइनस वन टू, तो आएगा फाइव माइनस थ्री जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन और फाइव माइनस टू, तो दिस विल बिकम, ये कितना आएगा टू माइनस वन वन टू वन थ्री सॉरी। और जब ए इनवर्स निकालोगे तो वन अपान सेवन अपान में आ जाएगा, चाहो तो सेवन को अंदर ले जाओ, अदरवाइज दिस विल बी योर आंसर। तो ऐसा नहीं कि ए इनवर्स को आप एडजॉइन ए इनटू वो अपार डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, नहीं, आपको उस इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके निकालना है, ठीक है। इसी प्रकार से सिक्सटीन क्वेश्चन कर लेंगे, ये थर्टीन था, फोर्टीन जरा समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट किया इन्होंने, देखिए ध्यान से। देखिए फोर्टींथ क्वेश्चन जो कह रहा है, फोर्टींथ क्वेश्चन ए दिया गया है थ्री वन टू टू, और ये भी दिया गया इफ ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी आई इज इक्वल टू जीरो, तो कह रहे हैं फाइंड ए एंड बी। इसको जीरो प्रूफ नहीं करना है, ये जीरो दिया गया है, तो कह रहे हैं ए और बी फाइंड करिए, वेरी सिंपल। पहले तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, थ्री टू वन टू इंटू थ्री टू वन टू। तरीका क्या होता है, फर्स्ट रो बाई फर्स्ट कॉलम, थ्री थ्री जा नाइन प्लस टू वन जा टू, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, थ्री टू जा सिक्स प्लस फोर, यह आएगा वन प्लस फोर और यह आएगा टू प्लस फोर, यानी ये वैल्यू आएगी आपकी एलेवन टेन फाइव सिक्स। ये क्या निकला, ए स्क्वायर, जरा समझिएगा। नाउ ये गिवन क्या है आपको, है गिवन है आपका ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी आई इज इक्वल टू जीरो। लिखिए यहां पर वैल्यू, जरा
ए स्क्वायर मतलब 11, 10, 5, 6 प्लस ए, ए का मतलब ये लिखा है 3, 1, 2, 2 प्लस बी, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की, और 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ही लिखी होगी। देखिए ध्यान से, अब इसको कैलकुलेट करो, 11 ये 3a हो जाएगा, तो 11 प्लस 3a प्लस b डाइट कर दिया हमने। आप एक स्टेप बढ़ाएंगे इसको, एक स्टेप इसको आप बढ़ाएंगे, ये स्टेप लिख दिया, इसके बाद अब क्या हो जाएगा, यहां पर हर जगह अगले स्टेप में a हो जाएगा, यहां पर b हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 10 प्लस 2a प्लस 0, यहां आएगा 5 प्लस a प्लस 0, यहां आएगा 6 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0000। अब यहां पर दोनों साइड को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग बोथ द साइड, इक्वेटिंग बोथ द साइड, बोथ द साइड, दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट कर दीजिएगा। यहां पर क्या आएगा, देखो यहां से इक्वेट करो, 5 प्लस ए इज इक्वल टू 0, 5 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली ए की वैल्यू क्या निकल आएगी, माइनस 5। इसमें इक्वेट करेंगे, पहला इक्वेट कर दो, तो 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, a आप निकाल चुके हैं, तो आएगा 11 प्लस 3 इंटू माइनस 5 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो 11 माइनस 15 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4। तो इस प्रकार से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन आपका 15th है, पर 15th पे थोड़ा सा अंतर है वहां पर, कि उसमें 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ए क्यूब निकालना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आता है आपको 16th, अपने आप करिए, 17th और 18th समझिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज टेक्निकल है और कंसेप्ट पढ़ाया गया है, उस कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिएगा, तब समझ में आएगा। देखो ध्यान से, इसमें कहा गया है कि ए इज 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। देखिए 17th कहता है कि ए जो है वो 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ये दिया गया है, तो बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो तो अंडरस्टूड है, तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ए क्या होगा, आपको याद होगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बाद में बात करते हैं, आपको याद होगा हमने बताया था कि विदाउट फाइंडिंग द डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ए आप केवल डिटरमिनेंट ऑफ ए से निकाल सकते हैं। अगर इसका ऑर्डर 3 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर 2, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे ठीक है निकाल लेंगे, लेकिन कैसे इसको फाइंड करें, देखिए ध्यान से, आपको जब एडजॉइन ए पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि एडजॉइन ए इंटू ए, अगर मैं एडजॉइन ए का मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ए से कर देता हूं, डिटरमिनेंट सॉरी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो यहां होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मैं यहां पर डिटरमिनेंट की बात नहीं, ये मैट्रिक्स की बात हो रही है, बाद में इसकी डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो एडजॉइन ए इंटू ए ये है मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए, आई क्या होता है, एक मैट्रिक्स है 100010001। अब जरा समझिएगा, हमको दोनों तरफ इसका, अच्छा इसको जब अंदर ले जाइए इसको, जब ये अंदर जाएगा तो मैट्रिक्स का जो रूल होता है उसमें ये हर रो से होगा कि सम में होगा, ये सम में होगा, तो सम में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0000, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 और 0000 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं दोनों तरफ का डिटरमिनेंट निकालता हूं, नाउ दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लीजिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0000, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0000, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। अब जरा समझिएगा यहां कॉमन कैसे लिया जाएगा, ये डिटरमिनेंट हमने पढ़ाया है कि अगर ए बी मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालो या अलग अलग डिटरमिनेंट निकालो तो वैल्यू सेम होगी, यानी ये हो जाएगा एडजॉइन ए का डिटरमिनेंट इंटू ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, या कॉमन कैसे होगा, देखिए
यहां से एक बार कॉमन होगा डिटर्मिनेंट, यहां से एक बार होगा, यहां से एक बार होगा, तो आएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 और ये बचेगा 100010001 और खोलेंगे वैल्यू क्या आएगी 1। इसको उधर शिफ्ट कर दो तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ए टू पावर 3 माइनस 1 2। ठीक, हमने बताया था अगर एन ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है और आपको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर एन माइनस 1 कर दीजिए। कभी कभी आता है कि विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ए यू फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए एडजॉइंट ए, तो इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। एक और आपका 18th क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। कहा गया है कि ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, देन व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। देखिए वैसे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है, याद कर लिया हमने, जरा समझिएगा। हमसे कहा गया कि ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर मैं ए इनवर्स निकालता हूं तो आई अपान ए, अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो आएगा डिटर्मिनेंट आई अपान डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। ये ऊपर अलग होगी डिटर्मिनेंट, नीचे अलग होगी, तो ये तो 1 हो गया, तो ये क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां डिटर्मिनेंट लिख दो चाहे, ये आपका ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसके बाद इसके कुछ एप्लीकेशन है, डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना, इसका 15th क्वेश्चन कर लीजिएगा, 3x3 की एक मैट्रिक्स है, अगर आपको टफ लगे तो तब भी कर लीजिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।